सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा का बयान, प्रदेश में बीजेपी हटाओ प्रदेश का जनता से झूठ बोलकर सरकार में आई है। पार्टी में झगड़े की वजह से 2017 में किया था अन्य पार्टियों से समझौता। पार्टी में कोई झगड़ा नहीं, शिवपाल की अलग पार्टी है। शिवपाल के चुनाव लड़ने से नहीं होगा कोई नुकसान। पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज, प्रदेश की जनता गुंडा राज को हटाना चाहती है। आजम खान फर्जी मुकदमों में जेल में डाला, प्रदेश सरकार का यही काम है। अडवाणी ने भी जिन्ना को लेकर लिखी किताब, बीजेपी धर्म और जाति के आधार पर चुनाव लड़ना, चुनाव के समय कांग्रेस आती है, बाद में घर पर जाती है बैठ, यूपी से दिल्ली का रास्ता होता है तैयार, दिल्ली का रास्ता सपा करेगी तैयार, बीजेपी बिना वैल्यू वाले लोगों को देती है इनाम, 2014 के बाद कारपोरेट को मिली है आजादी, नौटंकी के खिलाफ मेरी पार्टी क्या कहे, कौन है कंगना रनौत। देखिए आज प्रदेश में जो वातावरण तैयार हुआ, प्रदेश का जनता का मन में जो आवाज है, जहाँ भी हम लोग जाते हैं सब एक ही आवाज़ है, भाजपा को हटाओ। 2017 चुनाव में जनता को धोखा दे के, जनता को जुमलाबाजी करके, जनता को झूठ बोल के ये भाजपा सरकार में आया। आज जनता का मालूम हुआ, जनता आज इतनी रुष्ट है, जनता चाहते चुनाव जब हो जाएंगे भाजपा को हटाएंगे। तो आज जो परिस्थिति पैदा हुआ, अखिलेश यादव जी जो बोला जी इस बार हम लोग का 400 सीट मिलेगा, इसके मीनिंग है हम लोग भारी बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे। 102 सीटों पर जो हम लोग आकलन किया, जहाँ जहाँ हम लोग पूछा कार्यकर्ता को, वहाँ का जो चुनाव में हम लोग का जो कार्यकर्ता है सब बोला हम लोग एक यहाँ का सब सीट हम लोग जीत जाएंगे। तो इसका मीनिंग है भारी बहुमत से हम लोग इस बार सरकार बनाएंगे। ममता बनर्जी कितनी प्रचार करने के लिए यूपी में आएंगी, तो क्या समाजवादी पार्टी को कितने किन जगहों पे सपोर्ट करेंगी? अभी तक हम लोग नहीं निर्णय लिया कहाँ पर ममता जी का सभा होंगे, तो हम लोग जरूर बुलाएंगे उनको सभा में आने के लिए। आपकी पार्टी एक्सपेरिमेंट पार्टी में झगड़े की बात करिए तो झगड़ा तो अभी है, शिवपाल सिंह अपना अलग डंका बजा रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं। पार्टी में कोई झगड़ा नहीं है, जो झगड़ा शिवपाल जी क्या बताए, शिवपाल जी अलग पार्टी तैयार कर लिया, अलग पार्टी से प्रचार कर रहा है, जो पार्टी तैयार करेंगे वो तो प्रचार करेंगे, इसमें कोई झगड़ा का बात नहीं है, कोई झगड़ा समाजवादी पार्टी में नहीं है। आप मानते हैं शिवपाल सिंह के चुनाव लड़ने, वो कहते हैं हम सभी सीटों में चुनाव लड़ेंगे, उनके लड़ने से क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा कि नहीं होगा? देखिए वो कितना सीट पे चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे, उनका निर्णय है, समाजवादी पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों, जनाधार जो तैयार हुआ उत्तर प्रदेश में, आज जनता जो मना लिया। अरे नेताजी हम लोग का संरक्षक है, 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ आप नहीं देखा मंच पे नेताजी अखिलेश जी एक साथ में खड़ा होकर चुनाव प्रचार किया? अभी 2022 में क्या, 2019 में जो नेताजी अखिलेश जी एक साथ में चुनाव प्रचार किया, अब 2022 में नेताजी क्या करेंगे? प्रश्न है, नेताजी पूरा समाजवादी पार्टी का प्रतिष्ठाता, नेताजी समाजवादी पार्टी का संरक्षक है, नेताजी हम लोग का सबका नेता है, नेताजी समाजवादी छोड़ के कहाँ जाएंगे? नेताजी का आशीर्वाद से आज अखिलेश यादव पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपके अध्यक्ष जी ने जो जिन्ना का पन्ना खोल दिया है, उससे तो भाजपा को मुंहमांगी मुराद मिल गई है। जिन्ना का पन्ना जिन्ना के लेके आप सब चर्चा कर रहा है, अरे जिन्ना के लिए के चर्चा का क्या विषय है? आज़ादी का 75 साल हो गया, जिन्ना कब मर गया, फिर आप जिन्ना को लेकर आते हैं। आप महंगाई के बारे में पूछो, आप भ्रष्टाचार के बारे में पूछो, आप बेरोजगारी बारे में पूछो। तो भाजपा जो चाहती वही मिल गया, और उसके बाद में सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब लिख दी। अरे सलमान खुर्शीद क्या लिखा, सलमान खुर्शीद, अरे आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में भी किताब लिखा, जिन्ना को तो प्रशंसा किया, आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में किताब लिखा, वो किताब मैं पढ़ा, आप सब पढ़ लो, आडवाणी जिन्ना के बारे में क्या बोला, जिन्ना आडवाणी कौन है, वो भाजपा का नेता है। खबर में सलमान खुर्शीद की बात होगी, सलमान खुर्शीद ने किताब लिख दी हिंदुत्व की, हिंदुत्व की तुलना कर दी इस्लामी जिहाद से। देखिए सलमान भाजपा के पक्ष में जा रहा, सलमान खुर्शीद क्या लिखा वो किताब मैं नहीं पढ़ा। हम लोग जात पात लेके कभी चुनाव नहीं किया, हम लोग धर्म को लेके कभी नहीं चुनाव किया, वो भाजपा हिंदुस्तान में पहले R9 भारत के लिए फरुखाबाद से रिपोर्ट।